मेरे को यहाँ ये भी डर लगता है कि ऐसे वीडियो बना रहा है कोई बाइक से आए और खींच के ले जाए, क्योंकि ये कंट्री वैसी चीज़ों के लिए भी क्वाइट फेमस है। ये है वो चर्च, सो इट्स ओनली फॉर यू हेनरिक, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई मेक प्राइस रेट इन्फ्लेशन के कारण से 350 की और एक US डॉलर होता है, और थोड़े ये बाहर के बंदा देख के तो थोड़ा ओवर चार्ज भी मारते हैं। मनोज ना, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं हूँ डोमिनिका रिपब्लिक में, मेरा शिप यहाँ पे आया है। सो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डोमिनिका रिपब्लिक को एक्सप्लोर करने, पोर्टो वलार्ता आई थिंक सिटी का नाम है, मैं नीचे लिख दूंगा। और अब मैं वैसे रनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो रनिंग भी करूँगा, और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, रनिंग एंड सिटी दोनों एक्सप्लोर कर लेते हैं। पोर्ट के अंदर ही हूँ, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स एंड पोर्ट के अंदर ही इतना अच्छा इन्होंने मतलब डेकोरेशन करके बनाया है कि बाहर जाने की हो नहीं, बट हमारा मेन पर्पस तो सिटी देखना है, तो सिटी देखते हैं आगे। और सबसे पहला चीज़ क्या, पुलिस स्टेशन में पोर्ट की जो पुलिस है उसका ऑफिस मिला सबसे पहले ही। इस सिटी की तरफ जा रहे हैं, ये तो पोर्ट के पास ऐसे ही होता है, बट साफ सफाई बहुत है। एंड फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे दिखा कि पोर्ट के नियर बाई भी क्लीनिनेस है। देखिए अब रोड कितना अच्छा है, तो इट्स अ गुड इम्प्रेशन। उससे ये लिखा है पोर्टो पलाता, जो सिटी का नेम है, और एक मैरिन ड्राइव की तरह ड्राइव बनी है। यहाँ पे एक साइड पे रेस्टोरेंट और बार हैं, और पीछे सी है इस तरफ। बट साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा है, मेरे को बहुत अच्छी लगी साफ सफाई के मामले में। जैसे सी के किनारे फिशरमैन्स ने अपनी देखिए बोट्स रखी हैं, और एक प्लेटफॉर्म सा बना है, वहाँ जाके अगर आप थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, वहाँ वो एक बंदा बैठा भी है, तो सही है। ये देखिए बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, एज ए रेलिंग भी है। ये सामने रेस्टोरेंट एंड बार जो भी, पोर्टो पलाता सिटी का नाम है। कैरेबियन में ज्यादातर लोग वुड हाउस ही प्रेफर करते हैं, जैसे ये देखिए ये लकड़ी का बना है, 70% लकड़ी का, ऐसे लकड़ी के ब्रिज, तो टिक बोर्ड है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती जल्दी, क्योंकि जहाँ तक नज़र जा रही है समुद्र। और उस साइड पहाड़ हैं, तो अभी हम जब वापस जाते हुए बीच से सिटी के बीच से जाएंगे, शायद उस तरफ वो पहाड़ रखें। और शिप से मैं देख रहा था तो बहुत अच्छे से पहाड़ दिख रहे थे। रनिंग करके सी के बगल में, और अभी इधर आया हूँ, तो ये फायर स्टेशन है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, फायर स्टेशन है। देखिए फायर ट्रक, फायर ट्रक US की तरह ही है सेम।
साफ सफाई का मेरे को बहुत अच्छे लगी। और ये दोस्तों डोमिनिका रिपब्लिक का फ्लैग। सो डोमिनिका से मैं पहले कंफ्यूज हो गया था क्योंकि एक डोमिनिकन है और एक डोमिनिका रिपब्लिक। सो डोमिनिका रिपब्लिक जो है वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, आधा कैरेबियन और साउथ अमेरिका में आती है। और डोमिनिकन जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है, ब्रिटिश ने उन पर रूल किया, अभी वो फ्रेंच के अंडर है। तो फुली ऑक्यूपाइड बाई ऑक्यूपाइड या फिर फ्रेंच के टेरिटरी कह लीजिए। तो डोमिनिकन जो है वो फ्रेंच का पार्ट है और डोमिनिका रिपब्लिक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये इनके कोई फ्रीडम फाइटर, देखिए छोटे छोटे घर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। यहाँ की लैंग्वेज स्पेनिश है तो लोग यहाँ स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनकी भाषा वैसे स्पेनिश है मगर इनका कुछ नाम कुछ और है, बट वो पूरी एक ए टू जेड स्पेनिश ही है। और अगर वाइड रेंज पे आप देखे जाए देखेंगे तो उसको स्पेनिश ही बोला जाता है, बट इनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ उसका नाम होता है जो ये वो प्रेफर करते हैं बोलना। तो दोस्तों ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ भी जाते हैं, बंद होते हैं इधर भी, पैर के समय बंद होती है। बट घर आपको देखने से लग रहे होंगे कितने छोटे छोटे घर हैं, मतलब हाइट में इतनी हो नहीं, इतनी स्काईस्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स हो। कैरेबियन में इस हरिकेन्स ज़्यादा आते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए लोग छोटे छोटे घर ही बनाते हैं। तो आई थिंक आई गेस दैट ये भी रीज़न हो सकता है। टॉप में गया, ये मैंने पाइनएप्पल जूस लिया, वैसे तो यहाँ के 350 कुछ का हुआ, मैंने $1 दिया US का और उसने मेरे को कुछ 70-80 इनकी जो करेंसी थी वो वापस की। मतलब कि मोर और लेस सेम ही अमाउंट है US का और यहाँ का, मतलब US प्राइस रेट इन्फ्लेशन के कारण से 350 की और US डॉलर होता है। और थोड़े ये बाहर के बंदा देख के तो थोड़ा ओवर चार्ज भी मारते हैं, बट फिर भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन ही थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आया हूँ, बड़े अच्छे अच्छे से, मतलब पूरा ऑफिस स्टाफ मिल रहा है यहाँ। पूरा ऑफिस सेटलमेंट, ये चेयर लेनी है मेरे को इंडिया में, यहाँ सस्ती मिलेगी, यहाँ से ले जाने में उतना ही पड़ेगा। प्राइस 414 अमेरिकन डॉलर्स थी, 22,000 कुछ करके। सो मीन्स लाइक इंडिया में भी उतनी ही आएगी, 20-25,000 की तो भी सस्ती मिलेगी शायद इंडिया में, लेट्स सी। मेरा बहुत मन है मैं चेयर लेने का। पहाड़ के ये शहर से दोस्तों, जब हम लोग सुबह आ रहे थे, मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ ड्यूटी पे था बोल रहा था कि उसे वहाँ पे जाना है और चर्च पे, बट वो इतना लेजी था कि कहता कि मैं आ नहीं पाऊँगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं रेस्ट करूँगा। मैं उसको बोला था कि ठीक है, अगर मैं जाऊँगा तो मैं तेरे लिए वीडियो बना के ज़रूर लेके आऊँगा तेरे लिए कि कैसा है वो चर्च। तो ये टूरिस्ट सेंटर टाइप का ये है वो चर्च, इट्स ओनली फॉर यू हेनरिक, watching this video I reach over here only and only for you, enjoy brother. दोस्तों किसी का पूरी पिंक पेंट किया हुआ है मैंने, वेलकम
जो स्ट्रीट है ये इन्होंने टूरिस्ट के लिए ही बनाई है। ये छोटा सा एरिया जो है बहुत सारी टूरिस्ट के लिए, और जो थोड़ा डेकोरेशन भी एडिशनल करके रखी है। जो रोड है जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रिक्स वाला रोड है, टाइल्स लगी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमने रनिंग भी कर ली सिटी का थोड़ा, जहाँ नेबरहुड रहती है वो भी देख लिया, और अभी ये टूरिस्ट प्लेस में भी आ गए। पूरे दुनिया के झंडे लगाए हैं। आते हुए मैं वहाँ से घूम के आते हुए उस साइड पे गया था, और अभी हम अंदर से आ रहे हैं। और पहाड़ मेरे को यहाँ ये भी डर लगता है कि ऐसे वीडियो बना रहा कोई बाइक से आए और खींच के ले जाए, क्योंकि ये कंट्री वैसी चीज़ों के लिए भी क्वाइट फेमस है। बड़ी अच्छी कंट्री, छोटी एंड स्वीट एंड क्लीन। इसके अंदर आ गए और अभी आपको माउंटेन दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे माउंटेन्स हैं। मतलब एक अजीब सी, मतलब अजीब नहीं, एक आउटस्टैंडिंग सी फीलिंग आती होगी आप, मतलब माउंटेन के ऊपर आपका घर है, एंड आप सुबह उठते हैं अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं तो सीधा समुद्र की लहरें आपके ऊपर पड़ रही हैं। एकदम प्राइसलेस व्यू आता होगा और प्राइसलेस फीलिंग आती होगी सुबह सुबह ठंडी ठंडी समुद्र की हवा, और इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। और यहाँ भी दोस्तों जैसे ब्राज़ील में है कि जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो बनाई है, मतलब स्टैचू बनाया है, वो हाथ खोल के ऐसे खड़े हैं, सो यहाँ पे भी है वैसा। और जिप लाइन से जाना पड़ता है ऊपर, वो उधर ऊपर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। ये वो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रियो डी जनेरो में है सेम उसी तरह से। यहाँ पे वहाँ जाने के लिए आपको केबल कार लेनी पड़ेगी, जिप लाइन नहीं, केबल कार, और उससे आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं, और उनकी जो स्टैचू है उसके सामने पिक्चर ले सकते हैं। दोस्तों अभी मैं पोर्ट पे आ गया जैसे मैंने बताया, और अभी इस वीडियो को कंक्लूड करने का समय आ गया है। बहुत ही अच्छी सिटी लगी, नीट एंड क्लीन, छोटी सी थी, कुछ ज़्यादा इतना कुछ दिखाने को नहीं था, बट फिर भी जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया और बहुत ही अच्छी सिटी लगी मेरे को। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि पोर्टो प्लाजा की जो भी मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसी मैं और वीडियो लाता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।